नमस्कार, आप सबको एस्ट्रोलॉजर सक्सेस में राशि फल में स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बुध की राशि परिवर्तन। बुध 29 अगस्त को रात को 10:19 पे बुध ग्रह आपकी राशि वृश्चिक में प्रवेश किए हैं। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। बुध देव आपकी स्किल, आपकी विद्या, आपकी वाणी को अधिक प्रभावित करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल पे भी प्रभावित करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि में क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी बारे में चर्चा करेंगे। बुध की राशि परिवर्तन मेष राशि वाले के लिए थोड़ा मध्यम समय है। बुध तृतीय भाव और छठा भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं। छोटी छोटी यात्रा हो सकती है, आप अधिक परिश्रम करते हुए नजर आ सकते हैं। कार की बेहतर स्थिति है, कार क्षेत्र में नेम फेम मिलेगा। भूमि रिलेटेड संपत्ति खरीदने में परहेज रखिएगा। इस गोचर के दौरान माता के लिए न्यूनतम समय है। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद होने की संभावना है। एक चीज और, आकस्मिक धन आ सकता है। कार क्षेत्र के लिए मीटिंग हो सकती है। कार क्षेत्र के चक्कर में समाज की में एक्टिव रहेंगे। विद्यार्थी के लिए विशेष ध्यान देंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा चलने के बाद भी वाद विवाद का सामना हो सकता है। उपाय के तौर पर बातें करें तो गणेश भगवान को ओम गणेशाय नमः का जाप करें और उन्हें दूध अर्पित करें तो आपका कार्य क्षेत्र अच्छा चलेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अब हम चर्चा करेंगे वृष राशि। वृष राशि में बुध धन भाव और छठा भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं। यह गोचर सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। यह गोचर वैवाहिक जीवन और व्यापार के लिए अति शुभ है। व्यापार में तरक्की होगी। सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। इसे तालमेल बढ़ती हुई नजर आ सकती है। व्यापार में तरक्की होगी। नेम फेम और आपकी स्किल की वजह से धार्मिक काम भी हो सकते हैं। व्यापार में यात्रा भी हो सकती है। यात्रा करने से बचिएगा, थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। पारिवारिक रिश्तों से लिहाज से देखा जाए तो परिवार के लोग का सपोर्ट करते हुए और तालमेल बनाते हुए नजर आ सकते हैं। संतान के लिए थोड़ा न्यूनतम समय है। संतान का स्वास्थ्य न्यूनतम हो सकता है, थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। यहाँ वाद विवाद की स्थितियां हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में यह अवधि शुभ और कार्य क्षेत्र में बॉस का सहयोग है। बॉस आपकी सराहना कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा नोक झोंक की स्थितियां दिख रही है। मित्र आपके पास आर्थिक मदद मांग सकते हैं। भाग्य प्रबल होगा। उपाय के तौर पर बातें करें तो ओम गणेशाय नमः का जाप करें तो आप की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और वैवाहिक जीवन और व्यापार का भी बेहतर समय है। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में बुध लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध छठे भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। लग्नेश छठे भाव में गए हैं। पंचमेश को मिथुन राशि वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही शुभ लेकर आए हैं। यह राशि परिवर्तन स्वास्थ्य का मिला जुला समय है। पर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए विद्यार्थी के लिए सफलता मिलने की संभावना है। दूसरी बात, सुख सुविधा में थोड़ा सा न्यूनतम समय है। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गाड़ी चलाने में थोड़ा सावधानी बरतिएगा और गाड़ी खरीदने में भी सावधानी बरत सकते हैं। कार क्षेत्र व्यापार की भी परिणाम अच्छे आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र और व्यापार में हो सकता है अलग तरह से तरक्की होगी। कार क्षेत्र व्यापार में यात्रा हो सकती है। बाहरी संपर्कों से लाभ होगा। धन कमाएंगे, उसमें अधिक खर्च करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाजा से देखा जाए तो समय अच्छा है, थोड़ा वीकनेस रहेगी। आर्थिक स्थिति मिला जुला समय है। जीवन साथी भी बेहतर रिश्ते हो सकते हैं। उपाय की तौर पे बातें की जाए तो ओम गणेशाय नमः का जाप करें। अब चर्चा करेंगे कर्क राशि में क्या कुछ होने वाला है। बुध का प्रभाव, बुध 12वें भाव और तृतीय भाव के स्वामी पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। बुध आपकी खर्च बढ़ सकते हैं। आपकी वाणी लोगों को प्रभावित कर सकती है। मित्र या बड़ा भाई से लाभ होगा। आपकी ज्ञान मित्र भाई से मिल सकता है और आपकी स्किल बढ़ेगी। सुख में वृद्धि आएगी। कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। घर में बड़े बुजुर्गों से लाभ भी होगा। आप ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य सामान्य होगी। वैवाहिक जीवन का मिला जुला समय है।
उपाय की तौर पर बातें करें तो ओम गणेशाय नमो का मंत्रों का जाप करें, क्योंकि बुध की राशि परिवर्तन में बुध का ही देव गणेश भगवान को माना गया है, तो इसीलिए गणेश भगवान का मंत्र का जाप करना अति श्रेष्ठ है। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि। बुध की राशि परिवर्तन, सिंह राशि वाले बुध लाभ भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी, सुख भाव में गोचर करेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने सिंह राशि वाले व्यक्ति को सुख में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, सुख समृद्धि बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में शुभ योग बन रहे हैं। बुध और शुक्र की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में पड़ रही है, ऑनलाइन कार्य में तरक्की हो सकती है, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, सीनियर से लाभ होगा और खर्चे भी कम हो सकते हैं, विरोधियों से जीत होगी, अति श्रेष्ठ है, व्यापार में स्थितियां बेहतर होगी, व्यापार में निवेश करने के लिए माता पिता को धन मांग सकते हैं, जीवन साथी का कोई बीमारी से कष्ट हो सकता है। उपाय के तौर पर बातें करें तो ओम गणेशाय नमः का मंत्रों का जाप करें तो अच्छा आपका कार्य क्षेत्र में और अच्छा रिजल्ट आएगा। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी लग्न भाव और दशम भाव के स्वामी प्राकर्म भाव से गोचर करेंगे। कार्य क्षेत्र में ऑनलाइन काम की वजह से धन अर्जित करेंगे, कार्य क्षेत्र बनाने के लिए सोच भी सकते हैं। कन्या राशि वाले को पराक्रम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर हो रहा है, वैवाहिक जीवन के लिए भ्रम की स्थिति हो सकती है, एक दूसरे को ब्लेम करते हुए नजर आ सकते हैं, संतान को सफलता मिलेगी, आर्थिक से न्यूनतम रहेगी, मिला जुला समय है, खर्च कम हो सकता है, विद्यार्थी के लिए बेहतर समय है, विद्यार्थी को सफलता मिलेगी, टाइम टेबल बनाकर चले, योजना बनाकर चले तो ज्यादा अच्छा स्थिति रहेगी। उपाय की तौर पर बातें करें तो ओम गणेशाय नमः का जाप करें। अब चर्चा करते हैं तुला राशि। तुला राशि बुध क्या परिवर्तन कन्या राशि में होने वाला है। बुध नवम भाव और बारहवें भाव के स्वामी धन भाव में गोचर करेंगे। पिता को स्वास्थ्य न्यूनतम हो सकता है, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, पारिवारिक रिश्तों से लिहाजा से देखा जाए तो लोग सपोर्ट करते हुए आएंगे और आपकी एक दूसरे को सम्मान देंगे, आपकी वाणी से लोगों को प्रभावित भी कर सकती है, स्वास्थ्य के लिए लिहाजा से देखा जाए तो स्वास्थ्य अच्छी होगी, विद्यार्थी के लिए बढ़िया समय है, सुख सुविधा में बड़ी बढ़ोतरी होगी, एक तरह से बोला जाए तो मिला जुला समय है। उपाय की तौर पर बातें करें तो ओम गणेशाय नमः का मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ रहेगा, आपकी पराक्रम में वृद्धि होगी और वैवाहिक जीवन में भी कुछ अच्छा प्रभाव आ सकता है। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति को बुध अष्टमेष्ट और लाभेश घर के स्वामी लग्न भाव में बैठे हैं। लग्न भाव में वीनस और मरकरी की युति हो रही है, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, यह बुध का गोचर अति शुभ है, यह दिवाली में अति शुभ है, अपनी स्किल अपनी बुद्धि धन कमाएंगे। इस गोचर में के दौरान मित्र आपके मिलने आ सकते हैं, आपकी स्किल और विद्या भाव को तारीफ करते हुए आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं। कार्य क्षेत्र के लिहाजा से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में संघर्ष करने के बाद सफलता हासिल करेंगे, स्वास्थ्य में इस गोचर के दौरान बेहतर होगी, रिश्तों के लिहाजा से देखा जाए तो पारिवारिक में तालमेल अच्छी होगी, पिता से या इस गोचर के दौरान उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, लव रिलेशनशिप के लिए बेहतर होगा, विवाह करना चाहते हैं विवाह भी हो सकता है। उपाय की तौर पर बातें करें तो ओम गणेशाय नमः मंत्रों का जाप करें, स्वास्थ्य बेहतर होगी और आपकी आपके लिए बेटर समय है। अब चर्चा करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्ति को व्यय भाव में यह योग लक्ष्मी नारायण का योग का निर्माण हो रहा है। धनु राशि के व्यक्ति बुध सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी व्यय भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं, व्यापार और कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति हो सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वैवाहिक रिश्तों के लिए बेहतर समय है, जीवन साथी सुख होगा और होगा परंतु तालमेल की कमी होगी, लव रिलेशनशिप में सावधान रहें, लव रिलेशन समाज के सामने आ सकता है, उसमें आपको परेशानियों का सामना करनी पड़ सकती है, व्यापार के लिहाजा से देखा जाए तो व्यापारिक पार्टनर से लाभ होगा और व्यापार का विस्तार होगा, आर्थिक स्थिति बना हुआ अच्छा समय है, छोटी छोटी यात्रा भी हो सकती है, सुख में वृद्धि होगी किंतु स्वास्थ्य न्यूनतम रहेगा,
उपाय की बातें की जाए तो ओम गणेशाय नमः मंत्रों का जाप कीजिएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब चर्चा करते हैं और आपकी तरक्की भी होगी। अब चर्चा करते हैं मकर राशि। अब शुरू करते हुए मकर राशि, बुध नवम भाव और छठा भाव के स्वामी लाभ भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। यह गोचर अति शुभ है, कार्य क्षेत्र में सफलता लेकर आया है। कार्य क्षेत्र में आपकी बुध इंटेलिजेंट सदुपयोग कर पाएंगे, कार्य क्षेत्र के नाम कमाएंगे। व्यापार में थोड़ा सावधान रहिएगा, पैसे निवेश करने से बचिएगा, थोड़ा समस्या हो सकती है। संघर्ष करने के बाद आप यह गोचर थोड़ा कम समस्या आएगी। वैवाहिक रिलेशनशिप में तालमेल बनाने की जरूरत है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। संतान के लिए बेहतर समय है, आर्थिक स्थिति आय की भी अच्छी होगी और छोटे भाई बहने से रिलेशन सुधर सकती है। मित्र से, समाज से, ऑनलाइन से भी लाभ कमाएंगे। उपाय की बात की जाए तो ओम गणेशाय नमः का जाप करें, क्योंकि गणेश भगवान को बुध भगवान से लिंक किया गया है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, कार्य क्षेत्र में भी बेहतर समय है। कोई भी गणेश भगवान का मंत्र उठाए, उनकी जाप करें तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि यह परिवर्तन के लेकर आए हैं। कुंभ राशि का यह परिवर्तन मिला जुला शुभकारी समय है। बुध पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी दशम भाव से गोचर करेंगे। संतान की बातें की जाए तो गुप्त रखिए, नहीं किसी से ना बताएं, क्योंकि आपकी संतान की तरक्की होगी और कार्य क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। कार्य क्षेत्र से संतुष्ट रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। व्यापार में नुकसान का योग है, थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। आपका मित्र, आपके बॉस आपके कार्य की सराहना करते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़े खर्च अधिक होंगे, अपने आप को खर्च अपने सेल्फ पे खर्च कर सकते हैं। माता भी धन में सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी। इस गोचर के दौरान जीवन साथी का मिलजुल कर चलने की जरूरत है, विरोधियों से जीत होगी। उपाय की बातें की जाए तो ओम गणेशाय नमः का जाप करें, या सबसे पहले कार्य क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट आएगी और संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब चर्चा करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले यह राशि परिवर्तन सुख भाव और सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में शुक्र के साथ युति में बनाकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। इस समय आप आराम पसंद करेंगे, जीवन साथी धार्मिक कार्यों में मन रमेगा। दूसरी बात, पिता आपके भाव प्राकर्म भाव की दृष्टि डाले हुए हैं, पिता आपके प्राकर्म करते हुए देखना चाहते हैं। माता भी उसका सहयोग करते हुए नजर आ सकती हैं। व्यापार की लिहाज से देखा जाए तो व्यापार में नेम फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र ऑनलाइन मार्केटिंग काम में बेहतर कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा सा अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की तौर पर बातें की जाए तो ओम गणेशाय नमः मंत्रों का जाप करें, इससे आपको बॉस से सहयोग मिलेगा, सुख में वृद्धि होगी, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, ऑनलाइन काम में भी सहयोग मिल सकता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजर सक्सेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और ओम गणेशाय नमः का कमेंट करें। धन्यवाद।